टाइम्स जूल देयर इज अनदर कन्वीनियंट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम में ही आंसर है. वन इलेक्ट्रॉन इंटू वन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जब हम वन वोल्ट देकर मूव कराएंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. समझ आया? एक इलेक्ट्रॉन को हम वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर जब मूव कराते हैं तो मूव करने पर कितनी काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक? सो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अल्टीमेटली इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन चार्ज. करेक्ट? वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटू वन वोल्ट. वन इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलम इंटू वन वोल्ट. सो कूलम इंटू वोल्ट जूल्स बन गया. सो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 जूल्स. ये रिलेशन याद रखना. ये समझ आ गया ना? कूलम इंटू वोल्ट इज जूल, ये तो अभी बताया मैंने. वर्क डन इज पोटेंशियल इंटू चार्ज. सो पोटेंशियल की यूनिट वी, चार्ज की कूलम. सो अल्टीमेटली दिस इज जूल. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. अब कंडक्टर्स की बात करते हैं. अभी तक तो हम सारा इंसुलेटर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, कि इंसुलेटर्स है, उसको चार्ज कर दिया एंड हर चीज जो भी थी हम इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे. क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट हैपेंस इफ वी हैव अ कंडक्टर. कंडक्टर का बिहेवियर इंसुलेटर के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होता है. ठीक? ये तो पता ही है हम सबको. कंडक्टर्स में देर आर फ्री चार्ज, फ्री चार्जेस विच कैन फ्लो इजिली. राइट? ये सब है. तो इन चीजों की वजह से कंडक्टर कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो अब हमें देखना है. ठीक? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक कंडक्टर लें, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. ये इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है? इनको एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लो. फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. ठीक? इसको प्रूव करने का क्या तरीका है? सपोज करिए मेरे पास एक कंडक्टर है ए बी सी डी. ये कंडक्टर है एक. ठीक? कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. क्लियर? इस कंडक्टर को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, लेट्स से प्लस माइनस. ठीक? इस कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. सो अल्टीमेटली इधर से इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लग रही है. क्लियर? समझ आया? ये सिचुएशन है. एबीसीडी एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है. ई नॉट मेरी एक्सटर्नल फील्ड है. क्लियर? जैसे ही आप इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे,
जो इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंड मूव करने पर नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? करेक्ट। तो इधर सी डी साइड पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर अक्यूमुलेट होंगे एंड यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज ए बी पर रहेगा, बताओ यस और नो? नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं तो यहां पर सारा नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट। अब सिंस अंदर भी अब प्लस माइनस चार्जेस मेरे एक्यूमुलेट हो गए हैं ऑपोजिट साइड्स पर, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यस और नो? भाई है ना, प्लस माइनस बाहर था तो एक एक्सटर्नल फील्ड बाहर लग रही है, लेकिन अब अंदर भी चार्जेस जब एक्यूमुलेट हो गए हैं इधर प्लस इधर माइनस, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई। जो ये चार्जेस डेवलप हुए प्लस और माइनस के, जो ये चार्जेस डेवलप हुए, इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्यों बोल रहे हैं इनको इंड्यूस्ड चार्जेस? बिकॉज कंडक्टर के अंदर ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस हुए हैं, जनरेट हुए हैं। ए बी सी डी, ये एक कंडक्टर मैंने लिया, इस कंडक्टर को मैंने ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक। हमें बिहेवियर देखना है कि कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा जब हम उसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है, ये प्लस ये माइनस, तो ये नीचे मैंने ई नॉट जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्लियर। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर है वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइड से रिपेल होंगे, पॉजिटिव साइड पर अट्रैक्ट होंगे, तो सारे के सारे इस तरफ सीडी आर्म की तरफ भागेंगे एंड अल्टीमेटली सीडी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा एंड एबी एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। एंड सिंस ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुए हैं, जनरेट हुए हैं, इसीलिए इनको इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं, ठीक। अब ये जो चार्जेस इंड्यूस हो गए इधर प्लस इधर माइनस, तो अल्टीमेटली इनसाइड अ कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, लेट्स से ई पी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस। ये प्लस टू माइनस ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गई ईपी, एंड ये ईपी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करे, राइट। और जैसे ही ये ई नॉट और ईपी बराबर हो जाएंगे, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन फ्लो विल स्टॉप, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड दोनों इक्वल हो गए हैं। इक्वल होते ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टॉप हो गई, एंड सिंस जो आपकी अप्लाइड फील्ड है, जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है एंड जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो अल्टीमेटली जो नेट फील्ड होगी दैट विल बी जीरो, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फ्लो करके एक साइड पर चले ही जाएंगे एंड इतना ईपी जनरेट हो ही जाएगा जो ई नॉट को बैलेंस कर दे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, बिकॉज
हाँ, क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड है और जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट. इसी से रिलेटेड आपके दो और फैक्टर्स हैं. अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अंदर, इसको मैं लिख देती हूं यहां, ई इनसाइड इज जीरो, राइट. तो गॉस लॉ क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट. सो इफ ई इनसाइड इज जीरो, अल्टीमेटली क्यू क्या होगा, जीरो. यस और नो? तो फर्स्ट से ही एक और प्रॉपर्टी आ गई कि द नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. इसका मतलब अगर मान लो मैं कुछ चार्ज कंडक्टर के बीच में रख भी दूं समहाउ, ठीक, मान लो मेरे, सपोज कर लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है और मैं समहाउ यहां पर प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे जबरदस्ती रख भी दूं, तो ये जो चार्जेस मैं रख रही हूं रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये सारे चार्ज बाहर की तरफ भागेंगे. तो सारा चार्ज बाहर की तरफ भागेगा एंड अल्टीमेटली जो सरफेस है कंडक्टर का उसके सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा. ये कंडक्टर का बिहेवियर होता है, ठीक. पहली चीज, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड सिंस इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो सो द चार्ज इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर. इनसाइड की बात कर रही हूं मैं, ठीक है. अगर आप एक चार्ज को कंडक्टर के सेंटर में रख भी दो, राइट, तो वो चार्ज भागकर फटाफट से कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा, याद रखना इसको, ठीक. एंड यहीं से एक और पॉइंट आपका निकल कर आता है कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, यस, ई इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये पढ़ा हमने. सो अगर ई जीरो है सो दैट मीन्स पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि डीवी बाई डी आर जीरो है सो अल्टीमेटली वी इज कॉन्स्टेंट. तो तीन कंक्लूजन आ गए यहां से कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से अल्टीमेटली इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज भी जीरो है एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दैट मीन्स नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी जीरो है. सो पोटेंशियल आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की सेम वैल्यू रहेगी, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा कंडक्टर पर. इन प्रॉपर्टीज को ना आप लोग अच्छे से याद कर लेना बिकॉज इन पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर.